हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यार चैनल पर बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों आज की वीडियो में आप बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो जैसे आप YouTube पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस उस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके वीडियो को रेगुलरली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आई है थेगाराया चैटी चैटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, आई थिंक यहाँ पे 14 वैकेंसी में मेंशन कर रखी है इन सर थेगाराया कॉलेज चेन्नई में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इसको डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने जो न्यूज़पेपर में निकाला है द हिंदू और डायना मेलार में भी, तो यहाँ पे गाइडलाइंस और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सब जो है आपको यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.stcchennai.edu.in पर जो है वो देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है उन्होंने 14 निकाली, और नेक्स्ट ईयर में आपको वैकेंसीज भी दिखा देता हूँ कि कौन सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट वो आपको देना पड़ेगा, और जो सैलरी और क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 या गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स इन द कंसर्न्ड रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपका यहाँ पे सीएसआई यूजीसी नेट भी आपका जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, या आपका स्लेट या सेट एग्जाम आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले किया है तो आपको यहाँ पे जो आपका पीएचडी जो है रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपके थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएट किया होना चाहिए, और आपका जो लाइक रिसर्च पेपर्स है वो आपके होने चाहिए आपके थीसिस से एटलीस्ट 2। ठीक है, तो ये सारी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो आपका यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पीएचडी किया है वो टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहिए, और रैंकिंग जो रहेगी वो आपके क्यूएस द एनएआईडब्ल्यू रैंकिंग में। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी रैंकिंग में आपका यूनिवर्सिटी जो टॉप 500 में आता है तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हम सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एकेडमिक मेरिट एबिलिटी के बेस पे आएगा, मतलब आपका यहाँ पे एपीआई इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उस एपीआई इंडेक्स की बेस पे जो है आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। पॉसिबल सिलेक्शन क्या रहेगा, आपका यहाँ पे जो है असेसमेंट आएगा टीचिंग और रिसर्च का, उसके बाद आपका एबिलिटी चेक की जाएगी कि आप क्लियरली और इफेक्टिवली जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एबिलिटी टू एनालाइज एंड डिस्कस, तो ये 3 प्रोसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको बुलाया जाता है तो यहाँ पे कोई भी टीए डीए जो है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो आपका है 22 जनवरी 2022 by 4 PM। ठीक है, तो अगर आप जो इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एनेक्जर वन की, तो यहाँ पे एनेक्जर वन में इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स में देखिए 1 है टोटल वैकेंसी, बॉटनी में 1 है वो बीसी के लिए है, जूलॉजी में 1 है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कौन सब्जेक्ट में वैकेंसी कितनी, और आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, आपको यहाँ पे फिल करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को, और फिल करने के बाद जो है आपको इसे जो है आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये जब इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको क्या क्या जो है यहाँ पे लाइक एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना है, तो आपका जिस भी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जो भी आपके पास डिटेल है आप उसको जो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका जैसे मैंने बताया एपीआई इंडेक्स के बेस पे रहेगा, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स, पीजी के मार्क्स, एमफिल, पीएमफिल या पीएचडी या नेट विद जेआरएफ, नेट विद स्लेट, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्लियरली मैसेज कर रखा है कि आपका क्या क्या स्कोर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रेजुएशन में अगर 80% एबव तो आपको 21 स्कोर दिया जाएगा, अगर आपके और एमफिल है तो 7 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 60% एबव मार्क्स हैं आप में, अगर 55% टू लेस देन 60% तो 5 है। पीएचडी अगर आपके पास है 25 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, अगर नेट विद जेआरएफ है 10 मार्क्स, ओनली नेट है तो 8 मार्क्स, और अगर आपके पास स्लेट है तो 5 मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपका है तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेगा, नहीं कर पाता आपके पास 3 रिसर्च पेपर है तो आपको यहाँ पे टोटल जो है 6 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे जो 1 ईयर का 2 मार्क्स, टोटल आप यहाँ पे 10 मार्क्स जो है वो कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है अवार्ड जो है वो आपको अगर आपके पास कोई भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल का अवार्ड है तो आपको यहाँ 3 मार्क्स, और स्टेट लेवल का है तो आपको यहाँ 2 मार्क्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 100 रहेगा, इसमें अकेडमिक स्कोर रहेगा 84 मार्क्स का, रिसर्च पब्लिकेशन 6 मार्क्स और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, तो टोटल यहाँ पर जो है 100 मार्क्स का आपका जो यहाँ पे रहेगा। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।